स्टूडेंट, आई थिंक ऑल ऑफ यू वेल। आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आई होप सो। विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि एंड दशहरा। आई होप आप सभी के जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं वह खत्म हो और आप लोग अपना, अपने टीचर का, अपने फैमिली का नाम रोशन करें। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछे। कितने लोगों को डर लगता है क्लास में खड़े होकर पढ़ने में? टीचर खड़े कर देती हैं, सो यू फील हेजिटेशन। हाँ, आपको आ रहा होता है लेकिन आप भूल जाते हैं। आपको सब आ रहा है लेकिन इन फ्रंट ऑफ टीचर आप भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टेज पे जाते ही सारा कुछ एकदम चुप, सब लर्न किए रहेंगे क्लास में, सब अच्छे से बोलेंगे, बट जहां स्टेज पे गए वहां सब चुप हो जाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी। एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा एंड आई होप यह स्टोरी आपको अच्छी भी लगेगी। ठीक है, सो देयर वाज वन टेलर। ठीक है, एक टेलर था और वह कपड़े सिलता था। टेलर का काम क्या है? कपड़े सिलना ना। सो बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, वो अपने काम को स्टार्ट करने से पहले उसने सोचा कि मैं काम करते वक्त उठना नहीं चाहता जब तक मेरा वर्क फिनिश ना हो जाए। तो वह अपने खाने के लिए कुछ ब्रेड, वाटर यह सब कलेक्ट करके अपने सामने रख लिया, लेकर आया और ब्रेड के ऊपर अच्छे से जेब लगाया कि मैं आज बहुत जम के खाऊंगा, सारा मेहनत करना है, सारा काम करके उसे खाऊंगा। ठीक, जैम लगाकर अपने बगल में रख लिया और ही स्टार्ट डूइंग हिज वर्क, अपना काम में लग गया। उसको कुछ आवाज सुनाई दिया। व्हेन ही टर्न हुआ, उसने देखा कुछ फ्लाइज आकर उसके ब्रेड और जैम पे बैठ रहे हैं। सो ही सेड, हे अनवांटेड गेस्ट, गो फ्रॉम हियर, हु आस्क्ड यू टू कम हियर। वेट, थोड़ा सा ऐसे किया, उड़ गए सब, चले गए। अगेन ही स्टार्ट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम करने लगा। अगेन ही हियर सम मोर साउंड, अब और ज्यादा सुनाई देने लगा। ही शो दैट, अरे ये तो पूरा आकर मेरे ब्रेड पे बैठ गए हैं। हाँ, मेरा ब्रेड पूरा स्पॉइल कर दिया इन्होंने। उसे गुस्सा आया कि यह मेरा ब्रेड था, मेरा खाना था और यह आकर खाने लगे सब। अब क्या किया, उसने एक कपड़ा उठाया और लगा ऐसे ऐसे झाड़ने। जब झाड़ चुका सब भाग गए और जब वह नीचे देख रहा है तो 7 फ्लाइज मरे हुए थे। वह देखकर कहा, वाओ हाउ ब्रेव आई एम, मैं तो कितना बहादुर हूं, मेरी ये क्वालिटी तो मुझे पता ही नहीं थी, मैं तो बहुत बहादुर हूं। और उसे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। स्टार्ट डूइंग हिज वर्क, और फटाफट उसने वह काम किया और उसे उसने सोचा कि मेरी ये बहादुरी, मेरा ये ब्रेवरी सबको पता होना चाहिए। यहाँ कौन आएगा, कितने लोगों को पता चलेगा, जितने से ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। सो यहाँ बैठने से तो मेरा काम नहीं चलेगा। और उसने क्या बनाया था पता है? 7 विथ 1 ग्लो, वहां एक टैग बनाया और उसे वो पहन लिया। पहनकर जगह 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 घूमने लगा। घूमते घूमते वहां राजा का जो महल था वहां तक पहुंच गया था। राजा के महल के अंदर नहीं, बाहर जा रहा था तो एक पेड़ था, पार्क था। वह सोचा यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं बैठ जाऊं, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लूं, उसके बाद फिर आगे जाऊंगा। वहां पेड़ के नीचे लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। अगल बगल जितने लोग आते जाते उस टैग को पढ़ते रहते। अब राजा के पास कुछ लोग पहुंचे, राजा के जो वेल विशर थे, कि हमारे गेट के बाहर एक आदमी पड़ा हुआ है और वह 7 लोगों को एक ही ब्लो में खत्म कर देता है, और यह इंसान तो हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा है,
हमारे यहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो यह हमें युद्ध जिता सकता है। तो राजा ने कहा बिल्कुल बुलाओ उसे। अंदर गया, राजा ने भी वह टेक पड़ी। उसने कहा कि क्या यह सच है? उसने कहा यस ये सच है। तो राजा ने कहा मैं कैसे मानूं? मेरे राज्य में एक जैंट है, राक्षस है, अगर तुम उसे भगा देते हो हमारे राज्य से तब मैं मानूंगा। राज उसे भगा दो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और साथ में मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा। ठीक, अब तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं तो आराम से कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो राजा ने कहा कि ये अकेला इंसान है, चलो इसके साथ कुछ सैनिक को भेज देते हैं। ठीक है, कुछ क्यों, बहुत सारे सैनिकों के साथ वो भेज दिया। वह गया, वह जंगल के बाहर ही सारे सैनिकों को रोक दिया, कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं अकेले जाता हूँ। चलते वक्त वह राजमहल से चलते वक्त उसने देखा कुछ चीज पड़े हुए थे, तो उसने कहा कि रख लेते हैं अपने पॉकेट में, उठा एक चीज उठाया और अपने पॉकेट में वो रख लिया था। ठीक है, कि खाने के लिए रहेगा। रास्ते में जब जा रहा था जंगल में, सैनिकों को रखने के बाद रोकने के बाद आगे बढ़ा, तो एक झाड़ी में चिड़िया फंसी हुई थी, निकल नहीं पा रही थी। उसने उस चिड़िया को निकाला और अपने पॉकेट में रख लिया, आगे बढ़ गया। आगे गया तो बहुत बड़ा जैंट बैठा हुआ था, एकदम विशाल, ठीक है, विशाल राक्षस बैठा हुआ था। राक्षस ने उसे देखकर कहा कि यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तो उसने कहा टेलर ने कि पढ़ो, पढ़ना आता है, देखो मैं यहाँ, इसको पढ़ो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। राक्षस ने पढ़ा, थोड़ा सा उसके मन में डर हुआ कि वाकई में ये एक ब्लू में इतने लोगों को खत्म करता है। अंदर से तो उसे सम्मान देने के चाहिए, लेकिन उसने कहा अगर मैं इसे कुछ बोलूंगा तो इसे लगेगा कि मैं डर रहा हूं। उसने कहा ए सुनो, यह पत्थर देख रहे हो, इस पत्थर को मैं मसल के इसमें से पानी निकाल दूंगा, तुम कर सकते हो? उसने कहा कि ऐसे उस राक्षस ने उठाया और मसला और उसमें से पानी निकला। यह टेलर क्या किया, वो अभी अपने पॉकेट में से चीज को निकाला और ऐसे मसला, चीज को मसलने पे क्या निकलेगा, हाँ घी, ऐसे लिक्विड निकला। वहां से वो राक्षस देख के सोचा अरे वाह, इस इंसान के पास तो वाकई में बड़ी ताकत है। ठीक, अब उसने कहा कि देखो मैं यह पत्थर उछाल रहा हूं ना, बहुत ऊपर जाएगा, इतना ऊपर यह पत्थर, देखो मैं ऊपर उछालता हूँ, इतना ऊपर जाएगा कि तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा पत्थर तो मैं इतना उछालूंगा कि वह नीचे ही नहीं आएगा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो? राक्षस ने देगा, उसका तो वापस आ गया। टेलर क्या किया, अपने पॉकेट में हाथ डाला और उस बर्ड को निकाला और आजाद कर दिया, फ्लाई करके वह चली गई। अब यह जैन अपनी हार मान गया कि वाकई में यह इंसान बहुत ब्रेव है, बहुत हमसे ताकतवर है, तो वह वहां से उस राज्य को छोड़ के चला गया। अब यह राजा के पास आया, राजा ने अपना आधा राज्य उसे दिया और अपनी बेटी से उसका विवाह भी करवा दिया। है ना अच्छी कहानी? हाँ, इट्स फनी, बट इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें कैसा भी सिचुएशन रहे उसे पॉजिटिव वे में लेकर जाने की सोचनी चाहिए, नेगेटिव बात सोचना ही नहीं चाहिए। आई होप आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि इससे सबका मनोबल बढ़े। Thank you for watching me. See you in the next video.